आज एक नई केस स्टडी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग। शाम हो चुकी है, अराउंड 7:15 बज गए हैं और हमें स्टार्ट करनी है बिजनेस स्टडीज के केस स्टडी। वो भी चैप्टर कौन सा है आपका? ऑर्गेनाइजिंग। बड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है केस स्टडीज़ को सॉल्व करना। सिर्फ थ्योरी याद करने से काम नहीं बनेगा, आपको केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस प्रॉपर करनी होगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने। ई सॉल्यूशन लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नाम है ई सॉल्यूशन लिमिटेड। स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन द ईयर 2000। उसने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया? ईयर 2000 में। एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन द कंपनी हैड ओनली 10 एम्प्लॉय विथ 2 डिपार्टमेंट, अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। शुरुआत में कंपनी के सिर्फ 10 एम्प्लॉयज थे और 10 एम्प्लॉयज के साथ कंपनी ऑपरेट कर रही थी। दो ही डिपार्टमेंट हुआ करते थे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। द प्रोडक्ट सप्लाइड एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर। जैसे जैसे टाइम बीता गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट सप्लाई थी वो बढ़ने लगी और जो कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करने के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उसकी वजह से कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। द मैनेजमेंट हैड फेथ इन द एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज की एबिलिटी पे काफ़ी विश्वास था, भरोसा था, एंड दस दे अलाउड देम फ्रीडम ऑफ एक्शन। और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने उनके काम में उनको थोड़ी सी आज़ादी दी। द मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज दैट द डिसीजन मेक्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी गिवन मोर ऑटोनॉमी। मैनेजमेंट को यह आभास हुआ कि डिसीजन मेकिंग पावर जो दी जा रही है डिफरेंट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पर ज़रूरत है और ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की, मीन्स उनको और ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सेल्फ गवर्नेंस, मीन्स जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने लेवल पे चीज़ों को मैनेज कर सके, इतनी पावर वहाँ पे उन्हें दी जानी। दे टुक अ पॉलिसी डिसीजन दैट देयर विल बी लेस कंट्रोल ऑफ सुपीरियर ओवर सबॉर्डिनेट। और इसी के तहत उन्होंने डिसाइड किया कि सुपीरियर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल उनके सबॉर्डिनेट्स के ऊपर नहीं रहेगा। दिस इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी वजह से क्या हुआ कि सबॉर्डिनेट्स का रोल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड नाउ दे वर इन अ पोजिशन टू टेक न्यूमरस एज वेल एज इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। और अब जो आपके सबॉर्डिनेट्स थे वो इस पोजिशन में आ गए कि वो न्यूमरस मीन्स छोटे छोटे, बहुत सारे जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं वो भी ले रहे थे, और यहाँ तक कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। एज अ रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट, जो इम्पैक्ट पड़ा, वो इम्पैक्ट क्या पड़ा? एज अ रिजल्ट इट बिजनेस हैज डाइवर्सिफाइड इनटू मैनी एरियाज। उनका जो बिजनेस था पहले एक प्रोडक्ट पे रहा होगा, अब शायद वो डाइवर्सिफाई हो गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे चला गया। प्रेजेंटली इट हैज इट्स ऑपरेशन थ्रू आउट द कंट्री विद 7 ब्रांचेस ओवरसीज। मीन्स आज के समय पे क्या कंडीशन है कंपनी के साथ, क्या चल रहा है कंपनी में, क्या चल रहा है भाई कि कंपनी ऑल ओवर कंट्री ऑपरेट कर रही, मीन्स पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रही है, प्लस ओवरसीज ब्रांचेस, मीन्स कंट्री के बाहर जो ब्रांचेस हैं, कितनी ब्रांचेस हैं? 7 ब्रांचेस, 7 ब्रांचेस कंट्री के बाहर भी हैं। मीन्स 2000 में स्टार्ट हुई कंपनी और ये 2024 चल रहा है, एंड 24 ईयर्स में अराउंड कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है। इट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज नाउ चेंज इनटू डिविजनल स्ट्रक्चर। भाई जैसे हमने शुरुआत में बात की कि कंपनी
में सिर्फ 10 एम्प्लॉयज हुआ करते थे, दो ब्रांचेस हुआ करती थी, दो डिपार्टमेंट हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया है, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन पे वो काम कर रही है, तो इसलिए कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। मीन्स पहले एक ही प्रोडक्ट पे हुआ करता था, दो मेन डिपार्टमेंट हुआ करते थे, मीन्स कह सकते हैं वहाँ पे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कर रहे थे, पर फंक्शनल स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क चल रहा था। लेकिन अब कंपनी चेंज हो गई है, किसमें? डिविजनल स्ट्रक्चर में, एंड 10,000 पीपल आर वर्किंग विद द कंपनी। अराउंड 10,000 लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक। ये केस स्टडी तो हमने डिस्कस कर ली। केस स्टडी डिस्कस करने के बाद अब बारी आती है केस स्टडी में दिए गए क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प द कंपनी टू डाइवर्सिफाई इंटू मैनी एरियाज एंड ब्रांचेस अब्रॉड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको मैनेजमेंट का वो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, जिसने हेल्प की है कंपनी की उसे डाइवर्सिफाई होने। पहले कंपनी ने शुरुआत की थी एक ब्रांच से, सिर्फ दो डिपार्टमेंट, 10 एम्प्लॉयज। लेटर ऑन आपने देखा कि प्रेजेंट सिनेरियो में कंपनी के अंडर में करीब 10,000 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, 10,000 वर्कर हैं, और कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऑल ओवर कंट्री ऑपरेट कर रही है, प्लस ओवरसीज भी ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने कंपनी को इतना हेल्प किया है। तो केस स्टडी से ही वो प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिलेगा। केस स्टडी बता रहा है, ये जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, ये बता रहा है कि मैनेजमेंट ने शुरुआत में एक डिसीजन लिया था कि वो अपनी पावर्स, अपनी अथॉरिटी किसको देंगे? अपने सबॉर्डिनेट्स को। सबॉर्डिनेट्स को अपने पावर, अपनी अथॉरिटी देंगे। मीन्स ये कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ पावर ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ रिलायबल हो, और खुद से डिसीजंस लें, कंपनी के लिए खुद से डिसीजंस लें, अपने बेसिस पे काम करें, उन्हें दूसरे के डिसीजंस का इंतजार ना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में की होता क्या है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक डिस्पर्जन। क्या कह रहा है? सिस्टमैटिक डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी अप टू लोअर लेवल। सिस्टमैटिक वे में अथॉरिटी को डिस्पर्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अपने सबॉर्डिनेट के बीच में लोअर लेवल पे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज टू इनेबल, इससे फायदा क्या होता है? एज टू इनेबल द मैनेजर एट ईच लेवल टू टेक डिसीजंस एंड एक्शन। किस चीज में हेल्प करता है डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, प्लस एक्शन लेने में। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर मान लो कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आ गया और उन्हें अपने सुपीरियर से अगर डिस्कस करना पड़ा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें सुपीरियर को भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सारी अथॉरिटी, सारा पावर हम अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं कि वो उसका जिम्मा है, उसकी जिम्मेदारी है काम करवाना। तो उससे रिलेटेड जो भी इशूज, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका सलूशन वो खुद निकाल सकता है अपने बेसिस पे और इंस्टेंट डिसीजन ले सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे राइज होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन उसके इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आ जाता है हमारा डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स।
जब हम अपने सबॉर्डिनेट्स को पावर ट्रांसफर करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, इसका मतलब हमने पहले से ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी हुई, कुछ काम दिया होगा, कुछ काम सौंपा होगा, तो उस काम को करवाने की जिम्मेदारी उनके पास है और उससे रिलेटेड हमने उनको क्या दे रखी है, अथॉरिटी, कि जाइए आप काम करवाइए अपने सबॉर्डिनेट से, ठीक है, और वहाँ पे आप इनिशिएट करेंगे, आप अपने दम पे काम करवाएंगे। इससे फायदा क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स के अंदर एक मोटिवेशन आता है, वो सेल्फ रिलायंट होता है, प्लस जो वर्कर है हमारा, जो सबॉर्डिनेट है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है, इससे वो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है, बड़ी सिचुएशंस को, छोटे प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो इतना ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, खुद पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने के बाद वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करने के काबिल हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबॉर्डिनेट्स के अंदर हम खुद से इनिशिएट करने के लिए जो है इनिशिएटिव है वो डेवलप करता है। सेकेंड, रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट, जो हमारा टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, हायरार्की देखी है आपने, टॉप मिडिल बॉटम मींस लोअर लेवल, तो जब हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पावर्स को मिडिल लेवल और लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उनको काम की जिम्मेदारी सौंप देता है, उसकी अथॉरिटी सौंप देता है, पावर टू टेक डिसीजन, वो सारी चीज़ें जब देने के बाद जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो थोड़ा फ्री हो जाता है। फ्री होने का मतलब रिलैक्स, अब उसे छोटे छोटे काम के लिए अपने सबॉर्डिनेट से बात करने की जरूरत नहीं है और ना ही सबॉर्डिनेट्स को उससे बात करने की कोई आवश्यकता है। इस केस में होता क्या है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपना फ्री टाइम कंपनी के दूसरे बेनिफिशियल वर्क में यूज कर लेते हैं, जैसे कि कंपनी और क्या क्या कर सकती है। पहले ये कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम करती थी, आज ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबल सिर्फ इसी वजह से हुआ कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो फ्री है, छोटे छोटे कामों से बिल्कुल उसको आज़ादी मिली हुई है, उसे छोटे छोटे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा है कंपनी, तभी वो आगे का सोच पाएंगे, तभी वो आगे के बारे में सोच पाएंगे, कैसे कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, कैसे कंपनी को ग्रोथ देनी है। और उसी का रीजन है कि इस कंपनी ने 2000 से लेके आज 2024 है, छोटी सी कंपनी जिसमें सिर्फ 10 वर्कर काम करते थे और 2 डिपार्टमेंट थे, प्रोडक्शन दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, आज वो एक एमएनसी हो गई है। एमएनसी का मतलब कैसे हुआ भाई, वो कंपनी ऑल ओवर कंट्री को ऑपरेट कर ही रही है, प्लस ओवरसीज में उसकी 7 ब्रांचेज है, मीन सिर्फ एक नेशन में ऑपरेट नहीं कर रही है, अदर नेशन वर्ल्ड वाइड उसका काम चल रहा है। इसका बहुत बड़ा श्रेय किसको जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन को। उसके बाद बात करें, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास निकल के आता है वो है बेटर कंट्रोल। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, वर्क का इवैल्यूएशन, जो वर्क हो रहा है, जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के बाद ये चेक करना कि जो प्लान परफॉर्मेंस, जो हमने पहले से प्लान किया था कि ऐसे काम होगा, इस क्वालिटी का काम होगा, इतना काम होगा, एक्चुअल में आज वो काम कितना, किस लेवल का, किस क्वालिटी का और किस क्वांटिटी में हो रहा है। तो जब काम हो रहा होता है उस परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसे मैच करते हैं किससे, प्लान परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच करके देखा जाता है कितना अंतर आ रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट इन सब कामों से फ्री है कि नीचे के लेवल पे क्या हो रहा है, तो नीचे के जो वर्कर्स हैं, जो नीचे के एम्प्लॉयज हैं, उनके जो सुपीरियर मीन्स लोअर लेवल के जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, वो ही काम देख रहे होते हैं, वही काम करवा रहे होते हैं,
वर्कर के साथ में हमारा लोअर लेवल लगा होता है। लोअर लेवल को ये पता होता है कि कौन सा काम कितना होना चाहिए और कितना हो रहा है। उसके पास क्योंकि आपने अथॉरिटी दे रखी है तो वो सेम टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या करता है, अपने वर्कर्स को अपने लेबर्स को गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और जो प्रॉब्लम आ रही है उसे रेक्टिफाई करने की पूरी चेष्टा करता है, मींस रेक्टिफाई कर देता है वहीं पे। तो जो हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो लोअर लेवल पे ही काम करने लग जाता है। तो इसका जो आउटपुट है वो निकल के आता है कि कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया है उस कंपनी का, वो कंपनी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर ले रही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो या बड़ी प्रॉब्लम्स हो उसके लिए टॉप लेवल के मैनेजर्स तक नहीं जाना पड़ता, लोअर लेवल के मैनेजर्स पे ही सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी मिलेगा।